ये बुके है तो ये सर बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है? एक्चुअली 10-12 रुपए खरीद ही आता है स्पंज है। अच्छा ये सर, ये पहले स्पंज में पानी में भिगाना पड़ता है। ये देखो ये पत्ता मारा, लगभग छोटा बुके तैयार हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में भारतीय विद्यापीठ एरिया में, यहाँ की एक बुके की काफ़ी पुरानी दुकान में आए हैं जिसका नाम है बालाजी फ्लावर्स। और दोस्तों इस दुकान के ओनर है मिस्टर शक्ति सर। हम ये फ्लावर का बुके का जो ये बिज़नेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगती है पर बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमारे स्टूडियो में। सर हमारे जो देश के जो नवयुवक हैं ये सर छोटा बड़ा बुके का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सर हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। यस यस यस, ले सकता है मैं। सबसे कम पैसे लगा के अपन धंधा कर सकते हैं इसका। अच्छा, बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कारागिर, उससे सिवा कुछ नहीं। एक कला दिखाया, आप जितना कला दिखा सकते हैं उतना पैसे इसमें है। एक सीखने के लिए ज़्यादा 1.5 से 2 महीना आपको टाइम लगता है। अच्छा, बहुत ही कम पैसे में होता है। बहुत कम पैसे बोले तो ज़्यादा आपको 20-30 हज़ार रुपये लगाए ना, बहुत अच्छा धंधा चला सकते हैं आप। ये धंधे से हमारा पेट पाल रहा है। मैं एक्चुअली पूरा घर इस पे चलता है, पूरा घर इसमें ही चलता है। अच्छा, तो शादी वगैरह हो गया? हाँ शादी वगैरह हो गया। अच्छा, बहुत बहुत भगवान का शुक्र है एवं क्या है शेख का भी बहुत शुक्र है हमको जगह देने के बदल। तो सर अगर कोई बुके का दुकान शुरू करना चाहता है तो इसके लिए जैसे अगर भाड़े पर जगह लेते, किराए पर जगह लेते तो कितना किराया चल सकता है इसमें? ये देखो ज़्यादा किराए से तो चल नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली इसका कैसे है सीजन वाइज धंधा है। अच्छा, साधारणतः 3-5 हज़ार के अंदर भाड़ा चाहिए, तो उसके ऊपर भाड़ा होगा ना तो ओवर हो जाता है। अपन जो स्पंज यूज करते हैं इसके अंदर, वो स्पंज कोई कोई डुप्लीकेट एक ओरिजिनल आता है, एक ओएसएस कंपनी का आता है और बहुत कुछ कंपनी का आता है, लेकिन ये जो ओएसएस कंपनी का स्पंज है उसमें हमने 4 दिन बुके टिका सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट जो है जो डुप्लीकेट जो सूर्या वीरिया किंबा कुछ भी रहने दो तो उसमें जो यूज करते हैं अपन तो उसमें क्या है मालूम है कि वो 1 दिन से ज़्यादा टिकता ही नहीं। अच्छा, एनी टाइम ओरिजिनल यूज करो, ओरिजिनल यूज करो, अच्छा फ्लावर यूज करो तो क्या है बेनिफिट मिलता है उसका, खराब नहीं होता जल्दी। एक कला है भाई, एक कला सिवा कुछ होता ही नहीं। आप जितना कला दिखा सकते हैं तो उसके हिसाब से चलता है। आपको 500 हज़ार का फ्लावर लाने का किंबा 2 हज़ार लाने का, अच्छा, तो उसके हिसाब से कैसे 2 हज़ार के हिसाब से 2 हज़ार पैसे निकल जाता है, भाड़ा वेड़ा निकल जाता है, लेकिन आपको पगार जो है वो मिलता नहीं कौन सा महीने में। बराबर, बारिश में होगा। हाँ बारिश वारिश में तो वो सीजन के टाइम कवर हो जाता है, उसका कुछ टेंशन नहीं लेने का। आप सोचेगा तो आगे कि हमको हो रहा नहीं जान दो छोड़ देगा, फ्लावर भगवान को भी डालता है, सत्कर्क भी हो जाता है, तो सब कुछ ये एक सम्मान्य चीज़ है। बराबर, ये कुछ गलत चीज़ नहीं है, सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान चीज़ है ये। बराबर, 20-30 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में पूरा दुकान चालू हो सकता है? हाँ पूरा, आपके हिसाब से 20-30 हज़ार भी इतना भी नहीं लगता, कम ही लगेगा। हाँ 15-20 के अंदर ही आप पूरा दुकान चला सकते हैं। ये बुके है तो ये सर बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है? एक्चुअली 10-12 रुपये खरीद ही आता है। अच्छा, 10 के अंदर ही आता है। अच्छा, और ये ऑर्किड से ये सबसे महंगा रहता है। अच्छा, जिससे भी महंगा फूल है। अच्छा, आपको इससे भी महंगा फूल मिलेगा, लेकिन ये अपन बुके के अंदर इससे ज़्यादा महंगा यूज नहीं कर सकता। जो करेगा उसका जो कैसे है एरिया वाइज चलता है, एरिया में जो रेट आता है जो क्राउड है जो भी स्टैंडर्ड लोग, हाँ 12 रुपये खरीदी पड़ता है। अच्छा, तो हम ये 20 रुपये को बेचते हैं क्योंकि 20 रुपये नहीं बेचा तो इसका लॉस हो जाएगा। बराबर, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। सही बात है, कुछ कुछ मिलना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये इतना ही रेट है, तो मार्केट अप डाउन होते रहता है, वो एक ही मार्केट नहीं रहता है, अप डाउन होता है। फिर भी सर अंदाजन एक एवरेज अगर हम देखेंगे तो बुके कितने में बनता है और बिकता कितने में एवरेज? मैं तो अभी फिलहाल ये बुके साधारणतः 160-170 के पास बिकता है। 160-170 में बिकता है? 160-170 के अंदर बिकता है, साधारणतः 30-40 रुपये 50 रुपये मिल जाता है। 40-50 रुपये मिलता है? 40-50 रुपये मिल जाता है, मतलब लगभग 100 रुपये के आसपास इसको खर्चा आता है। अब भी फिलहाल सीजन के टाइम। अच्छा, 100 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है कितने भी अच्छा फूल लगाओ। तो जब फूलों के भाव गिरते हैं तो ये भी सस्ता होता है? जब भाव गिरता है तो ये सब कुछ सस्ता हो जाता है। अच्छा, खाली स्टेशनरी माल छोड़ के, क्योंकि स्टेशनरी माल फिक्स रहता है उसका रेट, वो उसको डमरू बोलते हैं, एक्चुअली इसको डमरू बोलता है। अच्छा, उसको चटाई बोलता है। अच्छा, उसको स्पिंजर बोलता है, इसको ऑर्किड बोलता है। सर जो गाड़ी का डेकोरेशन है वो काम भी आप पूरा करते हो? हाँ पूरा।
तो सर गाड़ी के काम में कस्टमर से कितना पैसा मिलता है? नहीं, वो तो अपने ऊपर रहता है, कस्टमर के ऊपर रहता है कि कस्टमर कितना देगा, उसके हिसाब से काम होता है, तो उसके हिसाब से गाड़ी होता है। फिर भी 200-300 रुपये मिलता है उसमें? हाँ, आराम से गाड़ी के बीच आराम से। और सर जैसे हम बोल रहे थे कि 5,000 भाड़े के साथ हम अगर शुरुआत करते हैं, 4 से 5,000 भाड़ा है, तो सर उसके लिए मतलब खर्चे निकालने के लिए कितना धंधा होना चाहिए? तो लगभग आपको महीने में स्टार्टिंग में 25,000 का भी धंधा होना चाहिए महीने का। अगर 25,000 का धंधा होता है तो 4-5,000 रुपये भाड़ा निकल जाता है, आपका जो भी जो खर्चा है वो निकल जाता है, सब खर्चे निकल जाते हैं, तो कुछ बचेगा नहीं उसमें? थोड़ा बचा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आपके हिसाब से, आपके काम के हिसाब से। सर एक आखिरी सवाल कि अगर सर बुके का बिजनेस, फूल का बिजनेस कोई करता है तो सर इसमें लगभग कितना पैसे मिल सकते हैं? वो तो बिजनेस के ऊपर है, आपका मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, वो जो चलाएगा उसके ऊपर है भाई, मैं बोलेगा इतना पैसे मिलेगा आपको, जैसे अंदाजन, तो अंदाज ही आपको रेंज है सर, समझो 50-50 आपको 5,000 भाड़ा, तो 5,000 मिलेगा पहले स्टार्ट, 5-10,000 रुपये सब जाके शुरू में 10,000 के आसपास, 5-10,000 के आसपास। और अच्छा चला को 25-30,000 मिल सकता है? हाँ, 25-30,000 मिल सकता है। दोस्तों अभी हम बुके कैसे बनता है, कैसे किस तरह से आप बुके बना सकते हैं, वो छोटा सा झलक दिखाएंगे। ये स्पंज है। अच्छा, ये पहले स्पंज में पानी में भिगाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सब अच्छे क्वालिटी का स्पंज यूज़ करना चाहिए? हाँ, तो टिकता है, ज़्यादा करके टिकता है। ये स्पंज कितने का आता है सर? फिर भी एक स्पंज आपको 20 रुपये में आता है मार्केट में। अच्छा, ये इसको मार्केट में मच्छी पत्ता बोलता है, देखो। अच्छा, मच्छी पत्ता बोलता है इसको मार्केट में साधारणतः इधर का। अच्छा, बाकी किधर क्या बोलते हैं पता नहीं है, ऐसा कटिंग करना है इसको, ऐसा कट करना है। तो इसका शेप ऐसा ऐसे ही आता है क्या शेप इसका? हाँ नहीं, ऐसा शेप आता है, लेकिन इसको कटिंग करके, हम कटिंग क्यों करते हैं कि मुझे ज़्यादा जंगली टाइप दिखना नहीं, ज़रा फिनिशिंग अच्छा दिखता है, फिनिशिंग अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा कट करना है। तो ये क्या किलो पे मिलता है? नहीं, बंडल के हिसाब से। बंडल के हिसाब से। अच्छा, साधारणतः 2-2.5 रुपये का एक पत्ता पड़ता है करके, मतलब एक ये एक पत्ता एक, हाँ पूरा बराबर। तो इसको ऐसा स्पंज में डाला मैंने अभी ये स्पंज में सर डाल रहे हैं बुके बनाने के लिए, मेरा हिसाब से मैं बना रहा हूँ। बराबर, और भी अलग तरीके से होता है। अच्छा, इसके अलग अलग तरीके? हाँ, इसका अलग अलग बनाने का अलग अलग तरीका आता है, सबके अलग अलग हिसाब रहता है। बराबर, आपको कस्टमर कैसे चाहिए, कस्टमर को कैसे चाहिए वो पहले जानना गरज है। ये देखो, ये पत्ता मारा। अच्छा, तो इसको मैं ये नीचे का मारा क्या नहीं मारा उसका कुछ फर्क नहीं, मैं तो मारा है। अच्छा, साधारणतः त्रिभुज का कटिंग करेगा मैं, त्रिभुज जैसा रहता है ना। अच्छा, उसके हिसाब से कटिंग कर रहा मैं, त्रिकोण के हिसाब से। त्रिकोण के हिसाब से अभी मैं लगाया ग्रास। फिर भी सर इसको क्या बोलते हैं इस ग्रास को? इसको स्पिंजर बोलता है, स्पिंजर एस्पेरी ग्रास। अच्छा, ये भी 2-3 दिन टिकता है अच्छे से रखेंगे तो? हाँ, अच्छे से, इसको पानी भी नहीं बहुत ज़्यादा गरज रहता है, इसको अच्छे से रखना पड़ता है। ये धूप में तो बिल्कुल नहीं चलता, धूप में चलता है, लेकिन पत्ता गिर जाता है इसका, एक एक पत्ता इसके अंक पे भी काटे रहता है छोटे 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 छोटे। मैं इधर घूमा तो दिखाता हूँ। अभी ग्रास लगाने के बाद इसमें सर आप गुलाब लगा रहे हैं? गुलाब लगा रहे हैं। ये लगभग 10 रुपये खरीदी का गुलाब आता है, सही है सर? हाँ। तो ये सर सभी गुलाब बिक जाते हैं इसमें? तो नहीं बिके तो बुके में जाते हैं। कुछ कुछ खराब हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट मारना पड़ता है अपन को। बराबर, ये कौन सा फूल है? इसको सनफ्लावर जारवेरा बोलते हैं, जारवेरा। जारवेरा, अच्छा। ये सर लगभग कितने का आता है एक फूल? ये भी अभी 10-12 रुपये की खरीदी आ रहा है। ये भी सीजन के ऊपर? सीजन के ऊपर है, ऑफ सीजन में बहुत सस्ता हो जाता है। अच्छा, तो ये सभी फूल आपने सर पानी में रखे, सही है? इसको पानी में रखना पड़ता है? पानी में रखना पड़ता है। लगभग छोटा बुके तैयार हो गया। अच्छा, ये अपने इसके अंदर में, अब इसके अंदर वाटी एक आता है वो भी डाल सकते हैं, किम्बा सिल्वर, साधारण तो सिल्वर फॉइल ही अच्छा रहता है क्योंकि दिखता है बड़ा। अच्छा, सिल्वर फॉइल से बड़ा दिखता है? वो भी सबके हिसाब से, कोई अलग लगाता है, कोई छोटा लगा देता है, कोई बड़ा लगा देता है। बराबर, सब अलग अलग हिसाब रहता है, सबके हिसाब ही अलग है। बराबर, कलर बहुत अलग अलग रहते हैं। अलग अलग कलर, सही है। मैं बोलेगा मेरा
तो इसके नीचे मैं रबर लगा दिया, तो ये तो दोस्तों सर ने 5 मिनट से भी कम समय में एक बहुत अच्छा बुके बनाया है। तो सर जो अभी बुके आपने यहाँ पे बनाया था ये लगभग वही बुके है, सही वही बुके। तो इसके ऊपर अभी पानी मारेगा तो ज़्यादा फ्रेश दिखेगा। अच्छा, तो जब भी ग्राहक आता है तो थोड़ा सा पानी मार के, हाँ पानी मार के उसके ऊपर चमकी मार के, तो किसी किसी को चमकी चाहिए रहता है, लेटर्स चाहिए रहता है, कभी किसी को नहीं रहता। अच्छा, तो इसके लिए आगे से पहले से ही नहीं डालता। बरा, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में समझाया। दोस्तों अगर दोस्तों सर ने आपको इतना समझाया, बुके बना के दिखाया खास आपके लिए, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बनते हैं सर के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तक के लिए गुड बाय दोस्तों।